नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार भाटापारा जिला राजधानी का हिस्सा था 2012 तक रायपुर का, उसके बाद ये नया जिला बना है। जिला मुख्यालय बलौदा बाजार में है। कल वहाँ एक अभूतपूर्व हिंसा हुई है। इतनी बड़ी हिंसा हुई है कि छत्तीसगढ़ में लोगों को ऐसा याद नहीं पड़ रहा पहले का कभी देखा हुआ। एसपी का ऑफिस, कलेक्टर का ऑफिस, सामने खड़ी हुई गाड़ियाँ, बहुत से कमरे दफ्तरों के, कलेक्ट्रेट के दफ्तरों के बहुत से कमरे जला दिए गए। सैकड़ों हजारों जाने कितनी फाइलें जल गईं, लोगों की गाड़ियाँ जली हैं। गनीमत यह है कि पुलिस ने सब्र से काम लिया, किसी तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं की। ये भीड़ सतनामी समाज के लोगों की थी, जो वहाँ जिले में ही उनके एक मान्यता वाले तीर्थ स्थान है, वहाँ पर एक जैत खम्ब सतनामी समाज की आस्था का प्रतीक होता है, उसकी पूजा होती है। गुरु घासीदास के शुरू किए हुए इस संप्रदाय में कई किस्म की अनुशासन की बातें अनिवार्य रखी जाती हैं। मांसाहार की मनाही रहती है, शराब की मनाही रहती है, और कई तरह के बुरी चीज़ों की मनाही रहती है। बड़ा डिसिप्लिन वाला ये संप्रदाय है। हिंदू समाज में जो लोग छुआछूत के शिकार थे, ऐसे अनुसूचित जाति के लोग इसमें अधिकतर वो लोग हैं। इनकी आस्था का प्रतीक है जैत खम्ब, और बलौदा बाजार ज़िले में एक जगह ऐसा जैत खम्ब था, उसको कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचाया, शायद काट दिया। उसको लेकर लोग विचलित थे समाज के। ये घटना 15 मई की है, आज से 3 हफ्ते पहले की। इसकी शिकायत हुई, पुलिस ने 2-3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने शराब के नशे में ऐसा किया था, कुछ उत्तेजना थी, कुछ नाराजगी थी, शराब का नशा था, उन्होंने ऐसा किया, गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया था। लेकिन सतनामी समाज यह संतुष्ट नहीं था। उनका लगातार यही कहना था कि पुलिस ने असली गुनहगारों को गिरफ्तार नहीं किया है। अब यह थोड़ा मुश्किल रहता है, जब पुलिस के ऊपर बात आती है तो असली गुनहगार कौन है, पुलिस ने असली को गिरफ्तार किया है कि नहीं, या तो किसी और ने किसी सीसीटीवी कैमरे में देखा हो कि ये वारदात करने वाले दूसरे लोग थे। तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे कोई सबूत सामने आए नहीं हैं। बल्कि मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ में जगह जगह सड़क के किनारे पेड़ों के नीचे छोटे छोटे मंदिर बने रहते हैं, जिनमें प्रतिमाएं स्थापित रहती हैं। सड़क के किनारे ही मुझको बहुत सी जगहों पर जैत खम्ब दिखते हैं, कोई अहाता भी नहीं रहता है। बहुत सारी जगहों पर सड़क से सीधी पहुंच रहती है वहाँ की। अब शराब पिए लोग या शरारती लोग या बदनीयत लोग, बदमाश लोग, मुजरिम, जिस दर्जे के भी लोग होंगे, वो अगर कुछ करते हैं, ये कई और जगहों पे भी हुआ है, जो दूसरे हिंदू धर्म के जो दूसरे छोटे छोटे मंदिर हैं, कहीं ना कहीं हर कुछ महीनों में सुनाई पड़ता है कि किसी ने मूर्तियाँ तोड़ दी है, तोड़ के फेंक दिया है, कुछ किया है, ऐसा सुनाई पड़ता है। जो पकड़ में आते हैं वो ऐसे ही लोग रहते हैं कि नशे में थे, शराब पिए हुए थे, उन्होंने तोड़ दिया। शायद ईश्वर से कोई नाराजगी रही होगी तो उन्होंने कर दिया होगा। लेकिन सतनामी समाज के लोग जो हैं, 15 मई के आसपास की इस घटना को लेकर बड़े विचलित चले आ रहे थे, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे। कल उन्होंने बलौदा बाजार जिला मुख्यालय में, एक दशहरा मैदान है वहाँ पर, प्रशासन से इजाज़त ली कि हम यहाँ एक सभा करना चाहते हैं। प्रशासन ने इजाज़त दे भी दी। शायद 2-3 हज़ार लोगों के वहाँ रहने का अंदाज था, शायद वैसी ही एक आम सभा के लिए इजाज़त ली गई थी, लेकिन भीड़ बहुत अधिक हो गई। 5-10 हज़ार के बीच की भीड़ का अंदाज है वहाँ पर। जैत खम्ब को नुकसान पहुंचाने से विचलित सतनामी समाज के लोग उस
मैदान में इकट्ठा होने के बाद भीड़ जो है कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, मैं देख रहा था, बैरियर लगा के रखे थे, टीन ठोक के रखे थे, कई तरह से रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का और प्रदर्शनकारियों का कोई अनुपात नहीं था। उतनी कम संख्या में पुलिस उनको रोक नहीं सकती थी। बढ़ते चले गए आगे, अपने ही देश के लोग हैं, अपने ही लोग हैं, पुलिस के लिए मुमकिन भी नहीं था कि वो कोई कड़ी कार्रवाई करती। जितना मैंने सुना है, खबरों में आया है आज दोपहर तक कल की घटना के बारे में, कोई आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हों ऐसा भी नहीं हुआ। ये बात थोड़ा सा हैरान करती है। आंसू गैस के गोले आम तौर पर जान नहीं लेते हैं किसी की, उससे भीड़ में भगदड़ पैदा होती है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, भीड़ उतनी आक्रामक नहीं रह जाती है। यहाँ पर भीड़ बहुत आक्रामक हो गई। ये जुलूस नहीं था, भीड़ थी। भीड़ में सिर बहुत से रहते हैं, दिमाग एक भी नहीं रहता। तो बढ़ते चले गए ये कलेक्ट्रेट की तरफ। रास्ते में इन्होंने नुकसान पहुंचाया। खबर कहती है कि रास्ते के सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ते चले गए। तोड़ने के पहले तक तो दर्ज हुआ था कि कौन लोग चल रहे हैं, कौन लोग तोड़ रहे हैं। फायर ब्रिगेड में भी इन्होंने शायद आग लगाई, वहाँ पर दूसरी गाड़ियों में आग लगाई। एसपी का ऑफिस, कलेक्टर का ऑफिस, ऐसी कुछ इमारतें एकदम पूरी की पूरी जल गई दिख रही हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा आधी रात के बाद वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा है कि सरकारी रिकॉर्ड बहुत सारे जल गए, सरकारी इमारत मुश्किल से बनती है वो जल गई। उन्होंने नुकसान बतलाया। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं मुजरिमों को पकड़ने की, लेकिन सरकार ने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को इतना नुकसान पहुंचाया है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और ड्रोन कैमरों ने कुछ चेहरों को रिकॉर्ड किया है, सीसीटीवी कैमरों ने रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर आकर सीसीटीवी कैमरों की अहमियत समझ में आती है कि आज पुलिस के हाथ में जो पुख्ता सबूत है वो सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग है, ड्रोन कैमरों की रिकॉर्डिंग है। तो लोगों की धरपकड़ शुरू हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक समाज का जुलूस पहुँचे, वो इतनी ज़्यादा आगजनी कर दे। कई लोग जल के मर सकते थे वहाँ पर, जो जल रहे थे कमरे उसके भीतर थे लोग, कहाँ से निकले, क्या हुआ, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। अभी कलेक्टर एसपी दोनों मौजूद थे वहाँ पर। मैं दो तीन चीज़ों पे, बुनियादी चीज़ों पे जाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में किसी भी धर्म के धर्म स्थल जो हैं वो इस कदर सड़क और सार्वजनिक जगहों पर हैं कि उनकी हिफाजत का इंतजाम बहुत कम है। तमाम धर्मों के लोग जो हैं उनके प्रतीक देखता हूँ, धर्म के प्रतीक रहते हैं। यहाँ पर जैसे गुरु घासीदास की प्रतिमा कहीं पे होगी, उनके नाम का चौराहा होगा, कहीं महाराज अग्रसेन की प्रतिमा होगी। अलग अलग लोगों की प्रतिमाएं हैं, अलग अलग धर्म स्थल हैं। हर पीपल के नीचे आपको एक बजरंग बली दिख जाएंगे। एकदम सड़क पर ही है, कोई चौकीदारी नहीं हो सकती मुमकिन। अगर तमाम धर्म स्थलों की चौकसी की जाए, हिफाजत का इंतजाम सरकार पुलिस के मार्फत करे, देश में 5 किलो चावल के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। सरकार की का सारा बजट जो है धर्म स्थलों की चौकीदारी में खत्म हो जाएगा। भगवान को या दूसरे धर्म के लोगों को चढ़ावा चढ़ाने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। तो ये नहीं हो सकता कि हर धर्म स्थल की चौकसी की जाए। जिसने नुकसान पहुंचाया है, पुलिस का अगर कहना है कि ये इन तीन लोगों ने शराब के नशे में ये काम किया है, उनको गिरफ्तार किया है, मुझको लगता है और क्या कर सकती है पुलिस। जो लोग उसको जिम्मेदार दिखे हैं, जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं, उनको गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा। अदालत से तो बहुत सारे गुनहगार भी छूट जाते हैं। क्या हो सकता है किसी समाज की फरमाइश पर, नहीं दूसरे तीन लोगों को गिरफ्तार करो, ये तीन हमको पसंद नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। आज ये एक समाज है, गुरु घासीदास के अनुयायी हैं, सतनामी समाज के लोग हैं,
कल कोई दूसरा समाज आ जाएगा सामने, परसों तीसरा आ जाएगा। धार्मिक भावनाएं तो सभी की हैं। पुलिस किस किस की भावनाओं की चौकीदारी करेगी, कौन कौन से धर्म स्थलों को रात दिन निगरानी में रखेगी। मुझको ऐसा लगता है कि किसी भी धर्म या संप्रदाय को अपने धार्मिक उपासना स्थल ऐसे बनाने चाहिए जिसकी चौकीदारी वो खुद कर सकें। आप उतने ही बनाइए, उन्हीं जगहों पर बनाइए, ऐसे बनाइए कि आप उसकी चौकीदारी कर सकें। अभी तो कोई भी राह चलते लोग कोई भी एक पत्थर कहीं भी फेंक सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। कहीं एक गोश्त का टुकड़ा फेंक देंगे, उतने में दंगा शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान में तो ये पुराना रिवाज रहा है कि हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने के लिए मंदिरों में गाय काट कर फेंक दो, मस्जिदों में सुअर काट कर फेंक दो, दंगा हो जाता है उतने में। यहाँ तो अभी गनीमत है कि सतनामी समाज के इस उपासना स्थल को लेकर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति पर कोई तोहमत नहीं आ रही है। ये मामला सांप्रदायिक नहीं है, ये मामला एक संप्रदाय के भीतर हुए नुकसान को लेकर सरकार से उनकी शिकायत का मामला है। अब सवाल ये उठता है कि तीन लोगों की गिरफ्तारी के बाद अभी आप और गिरफ्तारियां चाहते हैं, आपका हक है मांग करना, आप मांग कीजिए, लेकिन कलेक्ट्रेट पहुंच के एसपी कलेक्टर के ऑफिस को जला देना, गाड़ियों को जला देना, ये कौन सा तरीका हुआ? और यही तरीका अगर देश में बाकी जगह बाकी धर्म और संप्रदाय के लोग अख्तियार करने लगें तो देश बचेगा कैसे? पूरा देश जलाया जा सकता है, पूरे देश में कुछ भी नहीं बचेगा। इतने छोटे छोटे मंदिर, इतने उपासना स्थल हैं, कुछ नहीं बचेगा देश में। और धार्मिक प्रतीक तो सभी जगह हैं। कल के दिन आप सड़क पे पकड़ के किसी को मार सकते हैं कि इसने इस प्रतीक को छीना है, इसने मेरी पगड़ी गिराई है, इसने मेरे धार्मिक प्रतीक को खींच लिया है, तोड़ लिया है, उतार लिया है। इसी बात को लेकर अगर बवाल खड़ा होने लगे तो धर्म लोगों का भला कर रहा है कि धर्म लोगों को खतरे में डाल रहा है? क्या इंतजाम होना चाहिए? समाज खुद इंतजाम करे कि सरकार करे? सरकार करे तो क्या करे? सड़क ना बनाए, स्कूल ना खोले, अस्पताल ना बनाए, इलाज ना करे, कुछ ना करे, राशन ना दे बिना पैसों के, मर जाने दे लोगों को भूखा, केवल चौकीदारी करवाए धर्म स्थलों की? धार्मिक भावनाएं इतनी नाजुक क्यों होनी चाहिए कि अगर किसी ने एक धर्म प्रतीक को नुकसान पहुंचाया है तो आप जाके कलेक्ट्रेट जला दो, एसपी का ऑफिस जला दो, सरकारी दफ्तर, गाड़ियों में आग लगा दो, फायर ब्रिगेड को जला दो। जिस पुलिस से आप मांग रहे हो कि हम जांच सही करो, सही लोगों को पकड़ो, उसी पुलिस कप्तान के ऑफिस को आप जला रहे हो जाकर, क्या हासिल होगा इससे? आपके समाज के 200-500 लोग उसमें और गिरफ्तार हो जाएंगे। ये सामाजिक एकता किसी काम नहीं आती, ये धार्मिक एकता किसी काम नहीं आती। धर्म के प्रतीक को बचाने का ये कोई तरीका नहीं है कि आप सार्वजनिक संपत्ति, शासकीय संपत्ति, सरकारी दफ्तर, इनमें आग लगा दें। ये कोई तरीका नहीं होता है, इसमें आपके साथ कोई हमदर्दी नहीं रहेगी। लोगों की हमदर्दी अगर किसी बात को लेकर हो भी सकती है कि अरे इनके धर्म के प्रतीकों को नुकसान पहुंच गया है, लेकिन जब उस धर्म के, उस संप्रदाय के लोग इतनी लार्ज स्केल की हिंसा करेंगे, इतने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ आगजनी करेंगे, तो उसके साथ हमदर्दी नहीं रहेगी लोगों की। इस बात को समझना चाहिए कि ये मामला अभी तक सिर्फ एक संप्रदाय के भीतर का है। अभी तक ये नहीं हुआ है कि किसी दूसरे संप्रदाय ने इसको नुकसान पहुंचाया है और ये मामला सांप्रदायिक तोड़फोड़ का है, ऐसा नहीं हुआ है। मैं आज यही कहने के लिए आया हूँ कि जिनकी धार्मिक भावनाएं हैं, जिनके उपासना केंद्र हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हैं, और भी बौद्ध विहार हैं, कुछ और हैं, जैत खम्भ हैं,
इन लोगों को अपने उपासना के केंद्र अपनी हिफाजत में रखना चाहिए। सरकार सबकी चौकसी नहीं कर सकती। मेरे घर में सड़क जो है जो पहुंचती है, उस सड़क की रोशनी बंद हो जाएगी, पानी बंद हो जाएगा, अस्पताल स्कूल सब बंद हो जाएंगे, एम्बुलेंस बंद हो जाएगा। अगर सरकार हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च का की चौकसी करने लगेगी, तो जिनकी आस्था इतनी है कि वो जगह जगह आस्था के केंद्र बना रहे हैं, उनको अपने समाज के भीतर से सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। उनकी आस्था है, उनको वहाँ पर लोगों को बारी बारी से तैनात करना चाहिए जो चौकीदारी करें, क्योंकि आस्था का केंद्र है। सरकार इतना इंतजाम नहीं कर सकती। और अगर वहाँ कोई नुकसान पहुँचाए तो पुलिस जांच कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है, की है इस मामले में। मैं देखता हूँ कि पुलिस के गिरफ्तार किए हुए लोग हमको पसंद नहीं हैं। आप असली गुनहगार को गिरफ्त, कौन असली, कहाँ से लेके आए असली? छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अभी हुआ है, शायद बलरामपुर जिले की बात है, बजरंग दल के एक जिला सह प्रमुख ऐसे कोई पदाधिकारी हैं, वो अपनी महिला मित्र के साथ जंगल में मरे हुए मिले। पुलिस ने जांच की। आजकल सबसे आसान तरीका रहता है टेलीफोन नंबर देखना, किसने किसको कब कॉल की, फ़ोन का लोकेशन क्या था। तो पुलिस को ये समझ में आया कि ये नौजवान अपने घर से निकला, अपनी महिला मित्र के घर तक गया, वहाँ से उसको साथ में लेकर जंगल गया। रात को 1-1.5 बजा था, कुछ था। क्यों गए मैं उसमें नहीं पड़ता, दोनों बालिग हैं, उनकी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाए। उसी जंगल में मरे मिले। बड़ा बवाल हुआ, ये हुआ कि पशु तस्करों ने मार डाला है। पशु तस्करों को मारना, पशु तस्करों पर तोहमत लगाना बड़ा बड़ा लोकप्रिय औजार है आजकल। बाद में पता लगा पुलिस को अपनी जांच में कि जहां इनकी लाशें मिली है जंगल में, उसके बगल का गांव जो है, उस गांव के लोग बड़े शौकीन हैं, बिजली के तार बिछा देते हैं जानवरों को मारने के लिए। वैसे ही तार बिछाए गए थे, उसी में बिजली के झटके में ये दोनों मारे गए वहां पर। पशु तस्कर के बस में थोड़ी था कि किसी नौजवान को उसके घर से रात 1-1.5 बजे निकाले, वो नौजवान निकल के अपने दुपहिए पे जाए, अपनी महिला मित्र के घर, वहाँ से उसको लेके जंगल जाए। पुलिस ने उस गांव के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो इस गांव के लोग बिजली लगाते थे, ऐसा तार बिछाते थे जानवर मारने के लिए। लोगों का कहना है कि नहीं, पुलिस ने सही गुनहगारों को गिरफ्तार नहीं किया है, जाँच सही होनी चाहिए, जाँच सही होनी चाहिए। जांच पुलिस ने ही की है, इसी राज्य की भाजपा सरकार की पुलिस है, उसी ने जांच की है। एक काबिल पुलिस कप्तान है वहाँ पे, उन्होंने जांच की है। संतुष्ट नहीं है लोग, वहाँ के मंत्री जो हैं सरगुजा के, उन्होंने होम मिनिस्टर को लिखा कि इसकी न्यायिक जांच की जाए या इसकी उच्चाधिकारी से जांच करवाई जाए। पुलिस ने एक SIT बना दी है, IG की अगुवाई में SIT बनाई है जो मामले की जांच कर रही है, और 3 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं उसमें। अब अगर पकड़े गए लोग हमको पसंद नहीं है, हम कुछ और लोगों को पकड़वाना चाहते हैं, ये सिलसिला कब तक चलेगा? और पुलिस का क्या नैतिक बल रहेगा? या तो पुलिस पहले से पूछ ले कि आपको कौन पसंद रहेंगे, उनको पकड़ लें, फिर मेहनत क्यों करें, भीड़ का सामना क्यों करें, भीड़ आके SP कलेक्टर के ऑफिस में आग लगा दे, ऐसी नौबत क्यों आने दे? इस घटना को लेकर, बलौदा बाजार की घटना को लेकर 1-2 बातें साफ हैं। एक तो ये है कि जिला स्तर पर जो खुफिया तंत्र रहता है पुलिस का, वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप शो साबित हुआ है। इतने 1,000 लोग इकट्ठा होने वाले थे, उसके हिसाब से पुलिस की कोई तैयारी नहीं थी, पुलिस को शायद अंदाज भी नहीं था कि इतने लोग आएंगे।
दूसरी बात, पुलिस को यह अंदाज नहीं था कि एक हिंसा हो सकती है। आज कहने के लिए पुलिस कह रही है कि पेट्रोल लेकर आए थे साथ में भीड़ के लोग और उन्होंने आग लगाई। लेकिन कल जब ये सभा चल रही थी, लोग इकट्ठे हो रहे थे, तब पुलिस का खुफिया तंत्र जो है वो खबर नहीं कर रहा था, और अगर कर रहा था तो प्रशासन और पुलिस इसकी तैयारी नहीं कर रहे थे इससे निपटने की। ये बड़ी नाकामी एक है पुलिस और खुफिया विभाग की। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखें कि सत्तारूढ़ पार्टी जो है, इसके बहुत सारे विधायक जो हैं इसी समाज के हैं, विधायक हैं, कोई सांसद हैं, और लोग हैं, मंत्री हैं, बहुत लोग हैं इस समाज के। 15 मई से ये सिलसिला चल रहा था। क्या किया सत्ता ने? सत्ता ने, सत्तारूढ़ पार्टी ने इन लोगों को शांत करने के लिए, इनकी बात को समझने के लिए, ये पूछने के लिए कि ये 3 लोग क्यों नापसंद है भाई, जिनको पुलिस ने पकड़ा है, इसमें क्या कमी दिखती है, इनका चेहरा अच्छा नहीं है कि क्या है, आप और कैसे लोग चाहते हो गिरफ्तार करना, कुछ तो पूछा होता सत्ता के लोगों ने इनसे, सरकार ने पूछा होता, अफसरों ने, नेताओं ने, मंत्रियों ने पूछा होता। आखिर किसी समाज के आधार पे जब किसी को विधायक बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? इसलिए कि वो उस समाज से आए हैं। तो सतनामी समाज से आए हुए लोग मंत्री बनने के लिए तो ठीक हैं, विधायक बनने के लिए ठीक हैं। जब समाज की भीड़ तनाव में है और हिंसा पर उतारू है, उस वक्त आपने क्यों बात नहीं की अपने लोगों से, क्यों उनको नहीं समझाया, क्यों प्रदेश सरकार ने क्यों उन लोगों को तैनात नहीं किया कि आप जाके समझाओ, बात करो लोगों से? खुफिया तंत्र की नाकामयाबी है, प्रशासन की नाकामयाबी है। प्रशासन को चाहिए था कि समाज के कुछ नेताओं को, सांसदों को, मंत्रियों को पहले से भरोसे में लेके कहते कि साहब ये तनाव बढ़ रहा है, इसको आप थोड़ा शांत कीजिए। शासन देख रहा था, 15 मई के बाद से बहुत सारी चिट्ठियां आ रही थी, मांग हो रही थी, प्रदर्शन हो रहा था, नहीं किया उसने कुछ। लेकिन मैं आखिरी में बात को ख़त्म करने के पहले एक बात के लिए पुलिस की तारीफ करूंगा। आज पुलिस की तारीफ़ कोई नहीं करेंगे लोग, लेकिन मैं करता हूं। मेरा मानना है कि पुलिस ने अपने आप के ऊपर काबू किया, पुलिस का सिर फूटा, पुलिस के लोग, गाड़ियां जलाई गईं, पुलिस के लोगों को मारा गया। एसपी का दफ्तर पुलिस की सत्ता का, ताकत का एक प्रतीक होता है, उसको जला दिया गया। लेकिन पुलिस ने गोली नहीं चलाई वहां पर। मेरा मानना है कि एक बड़ा काबू है ये अच्छा किया बुरा किया, इसको अफसर बताएंगे जो सरकार के कामकाज को बेहतर समझते हैं। मैं आज जब देखता हूं कल की घटना को, मुझको लगता है कि पुलिस ने बड़े सब्र से काम लिया, अपनी अपने दफ्तर को जल जाने दिया गया, लेकिन गोलियां नहीं चलाई। यहां जो एसपी हैं अभी, सदानंद कुमार बलौदा बाजार के एसपी हैं, मेरा परिचय नहीं है कोई, कुछ महीने पहले नारायणपुर के एसपी थे, पिछली सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी। बस्तर के नारायणपुर में एक तनाव चल रहा था, जो आदिवासी ईसाई बन जाते हैं उनको आरक्षण से बाहर करना, गांव से बाहर करना, उनके लोग मर जाएं तो लाश को बाहर निकाल देना गांव के, ये चल रहा था आंदोलन। इसी सिलसिले में आदिवासी समाज के लोगों ने वहां पर कलेक्ट्रेट में हमला किया था नारायणपुर में, वहां पत्थर चले थे। अगर मेरी याददाश्त और मामूली सी जानकारी सही है तो यही सदानंद कुमार वहां पर एसपी थे और इनका सिर फूट गया था। कम होता है ऐसा, एसपी का सिर फूट जाए, लहू लुहान हो जाए, ऐसा कम होता है, हुआ था ऐसा। वहां भी पुलिस ने गोली नहीं चलाई थी, नहीं कई आदिवासी मारे जाते। ठीक वैसे ही कल बलौदा बाजार के प्रदर्शन में अगर पुलिस आगजनी कर रही भीड़ को रोकने के लिए अगर गोली चलाती तो जाने कितनी मौतें होती प्रदर्शनकारियों की, नहीं किया पुलिस ने। मैं सब्र की तारीफ करता हूं, ये प्रशासनिक दृष्टि से, पुलिस की दृष्टि से सही था गलत था मैं नहीं जानता। मेरा मानना है पुलिस ने बड़े सब्र से काम लिया, यही एसपी थे नारायणपुर में,
वहाँ भी इन्होंने अपना सिर फूट जाने दिया लेकिन गोली नहीं चलने दी। यहाँ का बलौदा बाजार का तो मैं जितना पढ़ रहा हूँ, मुझको तो अश्रु गैस भी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है समाचार में। अगर चला होगा तो मुझको सुधार सकते हैं आप, लिख सकते हैं नीचे कमेंट में। 17 कारें 25 दुपहिए जला दिए गए, बिल्डिंग जल गई पूरी की पूरी, फाइलें जल गई, कमरे जल गए सरकारी दफ्तर के, कलेक्टर ऑफिस और एसपी के ऑफिस का। अब इस बारे में हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र के लोगों को एक बुनियादी बात सुलझानी होगी, बुनियादी बात इस घटना से परे, वो ये है कि क्या धर्म स्थल और उपासना स्थल इतनी संख्या में ऐसी जगहों पर ऐसे इंतजाम में होना चाहिए कि उनकी रखवाली करने को कोई ना हो? पुलिस नहीं हो सकती, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो जो लोग बनाते हैं धर्म स्थल, वो खुद इंतजाम करें चौकीदारी का, वरना न बनाए। समाज के लोग हैं, उनमें अगर भक्ति भाव है तो बारी बारी से चौकीदारी कर सकते हैं। मुझको एक मिसाल याद पड़ती है, रायपुर में एक राधा स्वामी सत्संग ब्यास है, 250-300 एकड़ में फैला हुआ है, साल में एक बार वहाँ 2-3 लाख भक्तजन इकट्ठे होते हैं, 2-3 लाख भक्तजन इकट्ठे होते हैं। मैंने वहाँ जाके देखा हुआ है, उनका शेड जो है वो सबसे बड़ा शेड है शायद छत्तीसगढ़ का, इतना बड़ा शेड है, इतने लोग एक साथ खाना खा सकते हैं वहाँ पर, एक भी कर्मचारी नहीं है। 250 या 350 एकड़ के कैंपस में एक भी कर्मचारी नहीं है। जो अनुयायी हैं समाज के, वही बारी बारी से तय करते हैं गेट की ड्यूटी कौन करेंगे, झाड़ू कौन लगाएंगे, पौधों में पानी कौन देंगे, रजिस्टर बनता है, ड्यूटी चार्ट बनता है, वही लोग ड्यूटी करते हैं, कोई कर्मचारी नहीं रखते। 350 एकड़ 250 एकड़ किसको कहते हैं? एक भी कर्मचारी नहीं है वहाँ पे, सब समाज के लोग जो भक्तजन अनुयायी हैं वो खुद करते हैं। करना चाहिए, हर मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा बौद्ध विहार जैतखम सभी जगह समाज के लोगों को चौकीदारी करना चाहिए, समाज के लोगों को सफाई करना चाहिए, दूसरे कर्मचारी नहीं रखने चाहिए। कोई समाज बहुत संपन्न हो सकता है लेकिन अपने मंदिर की सफाई उनको खुद को करनी चाहिए। जैन मंदिर सबसे संपन्न जैन समाज है, उसके जितने मंदिर हैं जैन लोग तय कर ले, हम सफाई करेंगे, बारी बारी से चौकीदारी करेंगे। मुझको लगता है कि हिंदुस्तान इतना तनाव झेलने के हालत में नहीं है। यहाँ पर शायद करोड़ों करोड़ों ऐसे छोटे छोटे उपासना केंद्र, धर्म केंद्र हैं करोड़ों। सड़क पे देखिए एक भी चौथाई किलोमीटर ऐसा नहीं निकलेगा कि पेड़ के तले आपको कोई मंदिर ना मिले। तो ये इंतजाम करना पड़ेगा, वरना हिंदुस्तान इसी तरह सुलगते रहेगा, समाज इसी तरह विचलित रहेगा, इसी तरह उद्वेलित रहेगा, उत्तेजित रहेगा, उसको गिरफ्तार मुजरिम आरोपी अभियुक्त तो पसंद नहीं आएंगे, वो कहेगा नहीं और दूसरे लेके आओ। ये रैंप वॉक नहीं है कि दूसरी मॉडल ले आओ कपड़ों में, पुलिस को जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे उन्हीं को तो लेके आएगी, उन्हीं को तो पकड़ेगी। पुलिस के ऊपर इतना दबाव डालना ठीक नहीं है कि अगर तुम हमारे पसंदीदा मुजरिम नहीं पकड़ोगे तो हम आके तुम्हारे दफ्तरों को आग लगा देंगे, ये तनाव ठीक नहीं है। मैं नहीं जानता कि कितने पुलिस अफसर ऐसे होंगे जो इतने सब्र से काम लेंगे। बहुत से लोग जो हैं बलौदा बाजार के एसपी, जिनके मातहत कल यहाँ ये हुई घटना, इसके पहले नारायणपुर में हुई, इनको लेके कहते हैं कि इस एसपी को हटा देना चाहिए, हटा दो आप। मैं बहुत सारे ऐसे गुस्सैल पुलिस अफसरों के बारे में सोच सकता हूँ जो वहाँ तैनात रहते तो गोली चलवा देते, क्या होता उससे? एक स्थायी जख्म पैदा हो जाता समाज में, लोगों के दिल दिमाग में। किसी भी समाज को, किसी भी धर्म के संप्रदाय को इतना तनाव खड़ा नहीं करना चाहिए कि अगर इतने दिन में पुलिस नहीं पकड़ेगी, ऐसा नहीं पकड़ेगी, वैसा नहीं पकड़ेगी, ये हमको पसंद नहीं है दूसरा पकड़ो,
ये बजरंग दल के लोगों ने जो किया है बलरामपुर में, कि ये पुलिस ने जो पकड़ा है ये सही मुजरिम नहीं है, दूसरे को पकड़ो। शायद वो किसी पशु कारोबारी को पकड़ना चाहते हैं, पशु तस्कर कहकर कि उसने करंट बिछा के इनको मारा है। हो सकता है पुलिस कर भी दे, कोई पुलिस अफसर ऐसे भी हों जो जांच में ऐसा साबित भी कर दें, उससे क्या होगा? आप अपने ही देश प्रदेश की पुलिस को अगर इस हद तक बर्बाद कर देंगे तो कल के दिन हो सकता है कल परसों आने वाली सत्ता जो है उसको आप नापसंद नहीं होंगे, आप नापसंद होंगे, आपको भी यही पुलिस पकड़ लेगी। इतना बर्बाद नहीं करना चाहिए पुलिस को, इतना बर्बाद नहीं करना चाहिए अमन चैन को, इतना आबाद नहीं करना चाहिए धर्म स्थलों को कि उनकी हिफाजत ना हो सके। आप बनाइए, शौक से बनाइए, लेकिन उतने ही बनाइए जिसकी हिफाजत आप कर सकें, जिसकी देखरेख आप कर सकें, रख रखाव आप कर सकें, वरना मत बनाइए। मैं किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, अपनी अपनी आस्था है, आप मानिए तमाम आस्था को, लेकिन हरेक की आस्था के हर केंद्र के ऊपर पुलिस चौकीदारी लोकतंत्र में नहीं हो सकती। आज बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस पुलिस को तमाम लोग गालियां दे रहे हैं कि ये पुलिस नालायक है, इसने ये हो जाने दिया है, मैं कहता हूं उस पुलिस को एक दूसरे नज़रिए से देखें। उसे मार खाली है लेकिन मारा नहीं है। प्रदर्शन करने वाले लोग, आग लगाने वाले लोगों के हाथ में लाठी पत्थर पेट्रोल था लेकिन बंदूक नहीं थी, बंदूक पुलिस के हाथ में थी। बहुत कम ऐसे अफसर होंगे जो इतना काबू अपने पर रख सकें कि उनका दफ्तर जला दिया जाए और वो गोली न चलाएं। इसलिए पुलिस को कोसने के पहले ये सोचना चाहिए कि क्या उसने एक बड़े तनाव से, एक बड़े नुकसान से प्रदेश को कल नहीं बचाया है। सोच के देखिएगा। आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियोटोरियल को लाइक कीजिएगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फीस नहीं है, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा ताकि आपको एक संदेश मिल जाएगा कि हमने कोई नया वीडियो पोस्ट किया है। अपने दोस्तों को बढ़ाइएगा, अगर लगता है आपको कि मैंने कोई समझदारी की बात की है या आपको लगता है कि मैंने बेवकूफ़ी की बात की है तो भी बढ़ाइएगा, वो लोग भी कोस सके मुझको। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मेरी बातें आपको कैसे लगी, इस घटना पे आपका क्या कहना है। अभद्र भाषा में मत लिखिएगा, गाली गलौज की जुबान में मत लिखिएगा, लोकतांत्रिक सभ्यता को कायम रखिएगा। एक छोटी सी बात और, इन दिनों पुलिस के, प्रशासन के घरों के, बाजारों के सीसीटीवी कैमरे इतने लगे हुए हैं कि आप सार्वजनिक जगह पर कोई भी जुर्म करते हैं तो उसका सबूत जुट जाने की पूरी गुंजाइश है, पूरी गुंजाइश है। इसलिए अपने चाल चलन को, अपने तौर तरीकों को, अपने कामकाज को काबू में रखिए, कोई गलत काम मत कीजिए। आप गलत काम करेंगे तो आपके पकड़ाने और जेल जाने का इंतजाम आज चारों तरफ फैला हुआ है। हमारे प्रेस के बिल्डिंग में ही कई तरफ कैमरे लगे हुए हैं, अगर कोई यहाँ चोरी करे, कोई जुर्म करे तो सब जगह लगे हुए हैं, कॉलोनियों में, घरों में लगे हैं, पुलिस इस्तेमाल भी करती है जब कोई जुर्म होता है तो। अभी 3 दिन पहले रायपुर और महासमुंद के बीच एक नदी के पुल पर पशु कारोबारियों को पकड़ कर घेर कर इतना मारा गया, मार कर नदी से फेंक दिया गया। अकेला गवाह उनका साथी जो है वो मरने की कगार पर है अस्पताल में, बहुत से लोग मना रहे हैं वो भी मर जाए तो अकेला गवाह खत्म हो जाए। जिन लोगों ने मारा है उनके नाम भी सामने आ रहे हैं, उनको बचाने वाले लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। अगर ऐसा करने की कोशिश होती है, अगर पुलिस के ऊपर दबाव डल कर ऐसा करने की कोशिश होती है तो पुलिस किसी काम की नहीं बचेगी। कल के दिन आपके साथ जुर्म होगा तो पुलिस आपको बचा नहीं पाएगी। इसलिए चाहे आपके जात के, धर्म के, बिरादरी के मुजरिम हों, उनको बचाने की कोशिश मत कीजिए। और ये तो कत्ल है, 2 लोगों का कत्ल कर दिया गया है। फिर मिलेंगे।